दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं जिसका साइज है 17x30 फिट। यहाँ पर ये दोस्तों टू साइड ओपन है और टू साइड क्लोज्ड है। इसमें मैंने यहाँ पर नीचे दो दुकानें भी निकाली हैं, शॉप जिसको बोल सकते हैं, और साथ साथ पूरा घर का ऊपर रहने का मैंने यहाँ पर चीज़ें डिजाइन की हैं। तो पूरा मॉडल को डिस्कस करेंगे बारी बारी से, बने रहे आप लगातार। मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मार्ट हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलेंगे और मैंने एक पेड सर्विस स्टार्ट की है, और हमारे एक पेड यूजर हैं जिनके कहने पर, उनकी डिमांड पर यह मॉडल डिजाइन किया गया है, और पूरा मॉडल आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाएंगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके। सारा रेलिंग वगैरह इसका सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, इसका सारा डिटेल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसे जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए। जैसे कि इसका विंडो का डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे, देखिए विंडो का डिज़ाइन आपको मॉडर्न, और ये डोर वगैरह, और ये आपका रेलिंग वगैरह जो भी है, आप पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से इसे नज़दीक से देख पाएंगे। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब हम बात करते हैं सबसे इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है। ये जो पोर्शन है दोस्तों, मैंने पूरा एक साथ क्रिएट किया है, ग्लास का आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर के लिए भी है। तो ये सबसे पहले अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो आपका फ्रंट से 2 शॉप निकला हुआ है 17 फिट में। देखिए दोनों दुकानें आपकी निकली हैं, दोनों पर मैंने शटर लगा दिया है। इसके बाद इधर से भी रोड है, यहाँ से आप जैसे आते हैं तो ये इसका मेन डोर है। ये जो आप पूरा एरिया देख पा रहे होंगे, ये आपका यहाँ पर स्टेयर्स है। देखिए ये मैंने एक गैलरी से बनाई हुई है, स्टेयर्स है। स्टेयर्स में आप सबसे पहले मेन डोर जो लगा है नीचे, वहाँ से आप एंट्री करेंगे, और इसके बाद यहाँ से आकर टर्न होकर आप स्टेयर के माध्यम से चढ़ेंगे। फिर आपका ये 7 फिट की ऊंचाई पे लगभग, इसके बाद आप यहाँ पर एक बार यहाँ पर रुकेंगे, इसके बाद फिर से आप टर्न होकर ऊपर पहुँच जाते हैं। तो ये तो स्टेयर्स हो गई, और इसी के नीचे मेन डोर है, और ये उसको कवर करने के लिए मैंने दोनों एक साथ दोस्तों ग्लास लगा दिया है, जिससे आपके घर को एक बेहतरीन सा लुक मिले। अब जैसे गैलरी में जाते हैं, इसके बाद सबसे फ्रंट में आपको एक लेटेंट बाथ मिल जाता है, और इसके बाद इसी गैलरी के माध्यम से आप अपने हॉल में एंट्री कर जाते हैं। तो इस हॉल में, और इसका जस्ट आपकी दुकानें हैं ये हॉल और ये गैलरी, और इस हॉल में मैंने एक डोर विंडो दे दिया है वेंटिलेशन के लिए। तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हो जाता है। इसमें 2 दुकानें, एक हॉल, स्टेयर्स, लेटेंट बाथ। दोस्तों स्टेयर्स यहाँ पर सेपरेट है बिल्कुल, आपका कहीं भी घर से जुड़ाव नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इसे क्लोज कर सकते हैं इस डोर को, तो आपका सेपरेट बिल्कुल आपका स्टेयर्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये पूरा मॉडल फर्स्ट फ्लोर का है। जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आते हैं तो सबसे पहले आपको एक डोर मिलता है, डोर के माध्यम से एंट्री करेंगे और अपने हॉल में आ जाते हैं। इस हॉल से पूरे घर में आपका फिर से एंट्री होता है। इस हॉल की मदद से आप, ये एक रूम दिया है मैंने, इस रूम में आप एंट्री कर पाएंगे। एक विंडो दिया, डोर दिया, डोर से एंट्री करेंगे। उसके कॉर्नर पर अटैच लेटेंट बाथ आपका सेपरेट कर दिया मैंने इस बेडरूम के लिए। इसके बाद जो 3.5 फिट का बालकनी निकाला है मैंने, छज्जा निकाला है, उसको भी यहाँ पर कवर कर लिया है और वो हॉल में इंक्लूड कर दिया है। साथ साथ इस कॉर्नर पर लेटेंट बाथ मैंने एक और क्रिएट किया है। अरे, इस हॉल से आपका एक ये बेडरूम है जो कि बड़ा सा मास्टर बेडरूम है, इस पर आप एंट्री कर पाएंगे। यहाँ से साथ साथ ये आपका किचन एरिया है, इससे आप यहाँ एंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये हॉल में मैंने इंक्लूड कर लिया है 3.5 फिट का जो छज्जा था, या जिसे हम बोल सकते हैं रेलिंग। अगर आप रेलिंग, ये कॉर्नर पर आप रेलिंग देख पर यहाँ आना चाहते हैं तो आप हॉल से भी मैंने एक डोर दे दिया, इस रेलिंग में आप आ सकते हैं, या आप मास्टर बेडरूम से मैंने एक डोर दे दिया, इस रेलिंग पर आ सकते हैं इस रेलिंग। और ये देखिए कि मास्टर बेडरूम में एक विंडो मैंने दिया इस साइड से। किचन में आपको 2 विंडो मिल जाती है, इससे प्रॉपर तरीके वेंटिलेशन होता रहे, और आपका ये हॉल में भी एक मैंने विंडो दिया है। अब हम बात करते हैं ये देखिए रेलिंग का, जो कि आपका बेहतरीन सा रेलिंग देखने को मिल जाता है। छोटा सा बालकनी आपको कॉर्नर पर एल साइज का मिल जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे। अब लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर दोस्तों कुछ ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं किया है, चारों तरफ 3.5 फिट का बाउंड्री और ये गुमटी बना दिया है स्टेयर्स को ढकने के लिए, जिससे आप डोर भी लगा दिया, आप ऊपर आएंगे, और चारों तरफ मैंने रेलिंग बना दी है। तो ये प्यारा सा मॉडल 17x30 फिट में बनकर रेडी हो जाता है। टू साइड ओपन विथ टू शॉप,
कि मॉडल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, जरूर बताएं। सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।